अब
जैसे कि आप देख रहे हैं पहिया काट दिया गया है और अब अपने मंदिर में हम जाएंगे। तो इसको शॉल वॉल ओढ़ के पूरा ले जाया जा रहा है। तो हम वापस मंदिर की ओर जा रहे हैं। और ये बच्चे जो पूरा मंदिर का सामान लेके आए हैं, देखिए सामने लेके आ रहे हैं। और अभी एक वापस मंदिर में जाएंगे सारे, फिर आगे पूजा की तैयारी होगी शुरू। इससे मालूम होता है कि अपने उत्तराखंड में लोगों की चाहत कितनी बड़ी हुई है और पूजा के लिए तो कूट कूट के भरी हुई है। छोटे बड़े बुजुर्ग सभी इस पूजा में शामिल हुए हैं। जैसे कि आपने देखा अभी हम पहिया काटने गए हुए थे और वहां से वापस लौट रहे हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं की हूँ। बड़ी अच्छी बात है, यहीं के हो तो आप पूजा में पूरा एंजॉय किया आपने? बहुत अच्छा किया। कैसी लगी पूजा आपको? अच्छी लगी। और पूजा नहीं जो घर में करी वो पूजा नहीं, पूजा करने लगी। आप बताइए अच्छा लगा। क्या कहते आपन?
हमने थोड़ा बहुत डांस यहाँ पे देखा, थोड़ा वहाँ भी देखा अभी। तो अब गढ़वाल में मजा आएगा, मतलब यादगार है गढ़वाल की शाम, टीकर की शाम। आप बोला जी, आप शुभ नाम इंदु। खानो भी खाई आज? हां खाओ खाओ चपड़े तक छिन। आप तो रिंगवाड़ी का होए गयो, आप तो रिंगवाड़ी का होए गयो, चपड़ा था उन पे ना उन्होंने। हां तो सब मजा कर भाई, मैं तो चपड़े बहुत अच्छा लगा यार। अब ये तो बहुत ही सुंदर लगा। मैं तो दिल्ली से आया हूं, यहां 3-4 दिन से यहां पे हूं। मैंने इनकी व्यवस्था देखी, बहुत अच्छी, देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। शाम को खाना, सुबह नाश्ता, शाम को सोने की सुविधा, इतनी बढ़िया गद्दे उद्दे थे कि हमें पता ही लगा। दिल्ली में हमें ठंड लगती थी, यहाँ हमें ठंड बिल्कुल नहीं लगी और बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। जो 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 भी प्रोग्राम है यहाँ पे, मंडाण हुआ, चाहे देवी का पूजा हुई, निरंकार की पूजा हुई, पहिया पूजा हुई, बहुत ही सुंदर हमें ये लगा। और मैं तो कहूँगा कि भाई सभी लोग ऐसे चाहे इसी बहाने से आएँ, पूजा के बहाने से आएँ, पर अपने गढ़वाल आएँ और अपने घरों को आबाद करें और बहुत बढ़िया इंजॉय करें सभी। पर आप गढ़वाल में जा रहे, हिंदी में बोलना से क्या बात है? जब उन तब सभी मिनवाल जा रहे, तुम बैर भी दिखेला कह के बैर भी देखा को, ये तो वही बेचारा जैसे न्याय दिल जो छुट बचो तो न्याय दिल गढ़वाल तो वो भी समझ जा है ना। पर हमन बहुत बढ़िया इंजॉय कर पढ़ो, तो हमन बहुत नाचो, हम बहुत मजा कर हमन पढ़ो नाची के। और पाई हम अभी धन्यवाद। आप कहाँ से आए, आपका शुभ नाम? हमारा गांव यही है, लेकिन हम दिल्ली से आए और हमें बहुत खुशी हुई कि 13-14 साल बाद हमारे गांव में ये पूजा हुई, काफ़ी बड़ी पूजा हुई है। और सबसे बड़ी सहायता है हमारे देवेंद्र भाई, मनोज जी, मनोज मास्टर जी और सुरेंद्र चाचा, दलवीर चाचा, सभी का बहुत सहयोग है हमारे इस गाँव में। हमें हर साल खुशी होती है कि हमारे गांव में पूजा होती रहे और हर साल इसी तरह हमारे गांव में पूजा होती रही। हमारे इसी पूजा की वजह से, क्योंकि शादी ब्याह में तो इतना होता नहीं है मिलना, लेकिन हमारे गांव की पूजा में हमारी जो हुआ है। तो आपने मतलब काफ़ी एंजॉय कर लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश राजपूत, उत्तराखंड राइडर 3874। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, मैं रिंगोड़ी गाँव में आया हूँ जो सतपुली से 25 किलोमीटर आगे है, संतोधार की रोड पे आगे जाके है ये। और यहाँ निरंकार की पूजा की गई है। अब मैं आपको ऐसी शख्स से मिलाने जा रहा हूँ कि जिन ये कह सकते हैं कि जो पहली लेडीज़ ऑडियो सिंगर, जिनका फर्स्ट गाना था म्यार बुढ़िया का ब्योच रे, 4 दिन की छका छक, तो शायद आप समझ ही गए होंगे कौन है कलाकार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, जिनका नाम है सुनीता बिलवाल। तो इत्तफाकन वो हमें यहाँ मिली, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि वो यहाँ किस तरह से आए, कैसे आए। नमस्कार सुनीता बिलवाल जी। नमस्कार जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। धन्यवाद। तो यहाँ जैसे कि आप आई, हमें बड़ा ताजुब हुआ, तो आप ये बताइए हमें कि आपको कैसा लगा यहाँ जो? हाँ बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, मेरा गांव है रिंगवाड़ी, और यहाँ पे देव पूजन हो रहा है, निरंकार की पूजा। और मैं, मेरा भी काफ़ी कोरोना के बाद काफ़ी साल बाद यहाँ आना हो रहा है, तो मेरा भी मन था कि मैं इस पूजा में शामिल हूँ और देवी देवताओं का अपने आशीर्वाद लूँ, तो इस कारण से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो आप बड़े खुश हो मतलब यहाँ आने में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की हवा पानी और मौसम इतना अच्छा, सब लोग इतने अच्छे और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा सुनीता जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप पहली ऑडियो सिंगर थी, उसके बाद आपने एकदम बंद कर दिया, उसकी वजह क्या है? हाँ बंद मतलब हुआ ये कि मतलब 2000 के बाद मेरी बिटिया थी, बिटिया छोटी थी, और 2.5-3 साल के बाद उसने भी थोड़ा म्यूज़िक में वो करने लग गई थी, गाने लग गई थी कई बंगला भाषा में और भी, तो उसके ऊपर मेरा बड़ा ध्यान रहा। वो कई स्टेट नेशनल मतलब कंपटीशन वो करती थी और जीते भी हैं, तो उस पर मेरा काफ़ी ध्यान रहा। और बाद में फिर अब वो थोड़ा मतलब अब तो बड़ी हो गई, अपने आप को अच्छे से खुद वो मैनेज कर लेती है, तो अब मैंने थोड़ा बहुत जो भी है इसको मैं छोड़ तो सकती नहीं हूँ, है ना, जब तक जीवन है तब तक मैं जितना भी है जैसा भी है मैं करती रहूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे उत्तराखंड के लोगों का बहुत आशीर्वाद है। और वो बोलते हैं मेरे को, अभी भी बोलते हैं कि आपकी कोई ऑडियो नहीं निकली, नया गाना नहीं निकला, तो मुझे भी होता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ और अपनों से जुड़ी रहूँ। जी वैसे भी आपका गाना जो था म्यार बुढ़िया का ब्योचरे, हाँ जी, तो कुछ
हाँ, एक जो पे आपके हाँ, हमारे दर्शक हाँ, ये वैसे मेरी पहली ऑडियो तो मिचो मिल्ट्रू को छोरा थी, वो सभी को आपको भी और सबको हाँ, पता था ना छोरा। उसके भी गाने और मेरे बुडो को भी, उसके बाद दो तीन कैसेट ऑडियो सोनोटोन से निकली थी, उसका नाम था ठम ठम पलटड़मा, उसमें गाया था मैंने 85 या 86 में गाया था वो। हाँ उसके बाद वो गाना बहुत तो ने औरों ने भी गाया, लेकिन उस समय वो गाना भी बहुत हिट हुआ था। हाँ तो हमारे सब्सक्राइबर के लिए थोड़ा दो लाइनें अगर आप गा सके। अरे ये बार तो ठंड अलगा दिन हुई हूँ चुम्यारू है ना दी हो पल कुकड़ी को क्यों जा कुकड़ी को क्यों जा। अरे हेलू को तुम भी सुना कार्तिक का महीना दस गति बला आहा म्यार बुढ़िया को भी चाहो चार दिन की धका धुमा। म्यार गाल बैठ गया एक ठंड डाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिली और हमें आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। दर्शकों आपको बड़ी खुशी हुई होगी कि आज सुनीता बिलवाल जी हमारे साथ मिली और उनसे हमने थोड़ी बातचीत करी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता बिलवाल जी। तो दर्शकों अभी हम आपको आगे और दिखाएंगे अच्छी चीजें यहाँ जो हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके निरंकार देवता की तो वो भी झलक आपको दिखाएंगे। हाँ जी आपका शुभ नाम? प्रताप सिंह पवार। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से तो ये पूजा हो रही है, इसमें आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर। और क्या क्या मतलब कुछ शिक्षा देना चाहेंगे बच्चों को आज की जो पीढ़ी है? जिस हिसाब से शिक्षा ये देना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वज लोग मतलब जैसे पूजा करना, जिस तरह संस्कार सिखाया कि निरंकारी पूजा होती है, भैरव पूजा जाता है, वो भी इस चीज़ को भी सीखे या समझे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग ने जो किया है उनको भी वैसे करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड जैसे पूजा ख़त्म हो गई है, अब शाम को खाना होगा, उसमें कैसे लोगों ने इंजॉय किया। दिल्ली से काफ़ी लोग आए, उन्होंने काफ़ी अपना एंजॉय किया यहाँ, छोटे छोटे बच्चे आए, सब ने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे मेरे काफ़ी भीड़ लगी है दीदी, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठंड तो यहाँ जैसे कि ऐसा लोग को लगी नहीं रही, सोच रहे हैं कि ठंड का नाम कुछ है ही नहीं, पर यह कि ये जो पूजा हुई है ये हमारे आने वाली पीढ़ी वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको इस चीज़ सिखानी है कि किस तरीके से हमारे गढ़वाल में पूजा होती है, उसको कैसे एंजॉय किया जाता है, उसमें कैसे शामिल हुआ जाता है, किस तरीके से उसको निभाया जाता है। तो ये चीज़ अपने आजकल के बच्चों को जरूर सिखानी है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकूं, क्योंकि मेरा वक्त नहीं मिल पाता, मुझे जॉब भी करनी पड़ती है, जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। तो ये तो रिंगोड़ी गाँव में है जो निरंकार देव की पूजा हुई थी, 3 जनवरी से 5 जनवरी तक की पूजा थी, तो आज इसका लास्ट है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी भाई बंधु उनको दिखाओ, उनके बच्चों को दिखाओ कि ये चीज़ होती है। उत्तराखंड के नेचर्स इतने अच्छे होते हैं, यहाँ का खान पान तो अच्छा होता है, ये चीज़ उनको दिखाइए। तो जितना मेरे से बेस्ट हो सका मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया। थैंक यू।